क्लाइंट्स एट रिस्क फॉर एमरजेंसीज एंड क्राइसिस फर्दर टिंग अबाउट सम क्लाइंट्स वेट अंटिल दिस सिचुएशन विच इज अर्जेंट प्रोपोशन बिफोर कंसल्टिंग में पाकिस्तानी सिचुएशन वी अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जब तक कोई मसला या कोई प्रॉब्लम स्तर से नहीं गुजर जाता पानी उस वक्त तक उसको कोई हल करने के लिए तैयार नहीं होता बल्कि उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि ये कोई प्रॉब्लम है रेस्ट अलाइट की अगर हम देखें कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको तो बिल्कुल ही जो है वो अंडरमाइन कर दिया जाता है फिजिकल प्रॉब्लम्स को फिर एक सर्टन uh, जो है वो टाइम के बाद कोई एड्रेस कर लेता है लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम जितना जो है वो अंडर द कार्पेट स्वीप कर सकते हैं उसको हम तब तक करते रहते हैं इन सच इंस्टेंसिस थेरेपिस में हैव टू मेक क्रिटिकल जजमेंट विद पोटेंशनली सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसिस अबाउट पीपल विद होम देव नॉट यूट परफॉर्म द प्रोफेशनल रिलेशनशिप और गैदर्ड सफिशेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए जब एक एमरजेंसी या क्राइसिस की सिचुएशन में एक इंडिविजुअल आता है जिसको कोई फिट पड़ा हुआ है कोई सीजर पड़ा हुआ है या वो उस कोई म्यूट डिप्रेशन का उसकी इस वक्त सिचुएशन है तो उससे इंफॉर्मेशन एक्सेस करना उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि वो एक फुल ब्लोन एपिसोड के साथ आता है रादर देन कि उसके प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे होते और उसको कोई हेल्प के लिए लेके आया जाता द केयरफुल थेरेपिस्ट कैन ऑब्वियसली लिसन विद एन एम्पेथेटिक डायग्नोस्टिक ईयर बट कैन नॉट रश टू जजमेंट अब तसली से आराम से उसकी पूरी केसिस्टी ली जा सकती है उसके जो है वो प्रेसिपिटेटिंग एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की जा सकती है लेकिन एकदम से उसके बारे में कोई जजमेंट करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है असेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइंट्स हो में पोज अ रिस्क ऑफ सुड कैरिज हैसिबिलिटी एक बॉर्डर लाइन पर्सनलिटी के साथ एक डोलेसेंस बच्ची आती है जिसने अपने बाजू जो हैं उनको उसने कट्स लगाए होते हैं और उसके अंदर शदीद जो है वो डिलिब्रेट सेल्फ़ हार्म के सिम्टम्स होते हैं और उस बच्ची को अंडरस्टैंड करना उसकी सिचुएशन को कि उसमें सेल्फ़ हार्म का रिस्क कितना हाई है आ, ये आपकी जजमेंट पे बेस करता है क्योंकि हमें उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ क्या उसको हमें इस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत है थेरेपी की ज़रूरत है या उसकी जो सिचुएशन है वो इतनी इंटेंस है कि हमें उसको से के पास भेज के कोई मेडिसन जो है वो स्टार्ट कराने की ज़रूरत है सो so, ये एक बड़ी इंडिविजुअल के लिए उसकी रिस्क को असेस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है बिकमिंग वेलवर्स इन द क्लूज शुड बी असेंशियल पार्ट फॉर ऑल साइकोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग ये एक साइकोथेरेपिस्ट की ट्रेनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो इन सारी सिचुएशन से बहुत अच्छी तरह वेलवर्स हो कि किस सिचुएशन पे कहाँ तक उसको किस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करना है और कहाँ उसको रेफरल करना है कहाँ उसको साइकट्रिस्ट के पास भेजना है कहाँ उसको मेडिकल डॉक्टर के पास भेजना है या सोशल वर्कर के पास भेजना है These includes a verbal statement of intent, suicidal ideation, history of past attempts, a precipitating event, deterioration in social and vocational functioning, a plan of action, and express feeling of hopelessness and despair. एक ऐसा इंडिविजुअल जो आपके पास इस तरह की कोई इंटेंट लेकर आता है या एक बॉडी लाइन पर्सनैलिटी के साथ जो एक बच्ची जो है वो डिलिबरेट सेल्फ हार्म के सिम्टम्स के साथ आती है उसकी इन सब चीज़ों की कंप्लीट असमेंट करना और जानना बहुत ज़रूरी है उसके बगैर उसकी सिचुएशन के बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती एन इम्पोर्टेंट स्टेप थेरेपिस्ट शुड टेक इन ईच केस केयरफुली डॉक्यूमेंटिंग कंसर्न एंड थेफुल वर्किंग विद पोटेंशली सुसाइडल क्लाइंट्स जो पोटेंशली सुसाइडल क्लाइंट्स होते हैं उनकी छोटी सी छोटी जो बात है उनकी एक छोटी सी छोटी जो स्टेटमेंट है उसको भी केयरफुल इवेल्यूएट अंडरस्टैंड करना उनके बिहेवियर्स को समझना कि किस वक्त उनमें ये अर्ज या इम्पल्स आती है दैट दे मे हार्मल्फ उसके ऊपर कंप्लीट अथॉरिटी की तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है सच रिकॉर्ड्स विल प्रूव क्रिटिकल टू लेटर डिफेंस शुड अ थेरेपिस्ट बी सूड एंड द क्वालिटी ऑफ सच डॉक्यूमेंटेशन मे डिटर्मिन डिफेंस अटोर्नी अब आपने सारे वर्ड बाटम्स आप नोट करें और वो जो पोटेंशियल सेल्फ हार्म का एक केस है वो कहता है कि मुझे इन इन सिचुएशन में इस तरह से अपनी सेल्फ हार्म की थॉट्स आती हैं और उसके बाद आपने उनको नोट कर लिया लेकिन उन क्लूज़ को मिस कर दिया और उसकी फैमिली में कोई को थेरेपिस्ट प्रिपेयर नहीं किया जो कि उस सिचुएशन के अंदर उसको आकर हेल्प करता और वो सुसाइड कमिट कर ले तो उसके जो नोट्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर जहाँ पर ये बात पता चल रही हो कि कहाँ कहाँ पे उसको क्लूज आ रहे हैं किन सिचुएशन में और फैमिली वाज नॉट बिंग टेकन इनटू द लूप और उस सिचुएशन के अंदर इवन थेरेपिस्ट को सू भी किया जा सकता है और उसके उन नोट्स की वजह से जो उसने लिखे तो ठीक है लेकिन उसने उसकी उसकी इतनी ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज नहीं थी कि उनको वो इन, उन, उनके ऊपर सही इम्प्लीमेंटेशन करता तो इवन उसको उनके बेसिस के ऊपर जेल भी हो सकती है यानी इसमें ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज जो है, इसका इतना ज्यादा हाथ है कि जिसको शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती क्लाइंट्स विद सर्टन डायग्नोसिस सच एज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सीम एक्सेप्शनली प्रोन टू क्राइसिस बिकॉज ऑफ इमोशनल लाइबिलिटी इम्पल्सिविटी डिफिकल्ट रिलेशनशिप हिस्ट्रीज नाउ गिविंग दिस वेरी ई एग्जाम्पल कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के साथ है तो उसकी पर्सनैलिटी में क्राइसिस uh, को प्रोन करना बहुत ज़्यादा नज़र आएगा अगर आप ऐसा कोई क्लाइंट एक थेरेपिस्ट देख रहे हैं तो उसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इमोशनल लाइबिलिटी बहुत हाई होगी इंपल्सिविटी होगी डिफिकल्ट रिलेशनशिप होंगे एंड इन रिटर्न टू दैट मैगनानिमसली वी कैन से कि वो ज़्यादा सेल्फ हार्म की तरफ प्रोन हो सकता है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंडिविजुअल सो इन दिस सिचुएशन एंड एक्सपर्ट थेरेपिस्ट शुड डेफिनेटली टेक द फैमिली ऑन बोर्ड एंड ऐसी रिस्क और एमरजेंसी की सिचुएशन में उसको घर से भी एक कोथेरापिस्ट अपने साथ लूप में रखना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन को बेहतर तरीके के साथ हैंडल किया जा सके